इतिहास में ऐसे चुनाव बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जब पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज कोई पार्टी चुनाव में थोड़ी घबराहट में दिखे। इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ ऐसा ही है। भले केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर गठबंधन की तैयारियों को देखकर मोदी शाह के पसीने छूट रहे और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की चुनौती के लिए कांग्रेस ने योजना तैयार की। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव की रणनीति तैयार कर रही। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में विकास के नाम पर दिखावा किया है। कांग्रेस लगातार भाजपा के झूठे वादों की पोल खोल रही है। 2019 के चुनावी दंगल में भाजपा को सियासी पटकनी देखने के लिए 10 मुद्दों की सूची बनाकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति करनी है तैयार। इन मुद्दों में किसानों को MSP के छलावे से लेकर युवाओं को मोदी सरकार ने रोजगार नहीं मिलने, दलित उत्पीड़न व मॉब लिंचिंग जैसे मामले शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी इन्हीं 10 मुद्दों पर करेगी अपनी पकड़ मजबूत। कांग्रेस ने अगले चुनाव के लिए तय किए गए मुद्दों के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया है और कहा कि कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में है और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। MSP एक छलावा है और इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। मोदी सरकार को 4 साल हो गए लेकिन उसके वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए उस पर जनता ने समर्थन की मोहर लगाई और प्रचंड बहुमत सरकार को दिया और उन्होंने दावा भी किया कि भाजपा सरकार ने और केंद्र ने जनता के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन विपक्ष की राय ने सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के किए गए कार्यों पर दृष्टि डालते हुए कहा कि नोटबंदी की वजह से 20 लाख नौकरियां चली गईं। आज भी 35 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हर 9 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। व्यापार के लिहाज से आज भी भारत 130वें नंबर पर है। ऐसे में बेहतर क्या होगा? कुछ भी नहीं। अभी भी देश कांग्रेस के समय में ही अटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से एक बार सरकार बनाएगी और देश की जनता के हितों के लिए कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसने वाले लोग बहुत मिलते हैं, परंतु हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहती है। भाजपा हमेशा से ही जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी रहती है और बदनाम कांग्रेस पार्टी को करती है। कांग्रेसी नेताओं का ये मानना है कि PM मोदी व भाजपा को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना होगा, मगर राहुल गांधी का मानना है कि कांग्रेस उस समय एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और हमें महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर ही चलने की जरूरत है। राहुल गांधी भाजपा की क्रूर नीतियों से न सिर्फ जनता को बल्कि अपनी पार्टी के सदस्यों को ही आगाह कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भी भाजपा जैसी अमानवीय नीति को अपनाने लगी तो फिर क्या अंतर रह जाएगा दोनों पार्टियों में। थैंक यू सो मच।